कंगना की बेबाकी के बाद अब चर्चा लखनऊ सेंट्रल के कैदियों की, जिनकी नस नस में संगीत है और इनकी इच्छा है संगीत की दुनिया में नाम कमाने की, लेकिन उससे भी बड़ी इच्छा है जेल तोड़कर भाग निकलने की। तो चलिए बात करते हैं इन कैदियों के मंसूबों की। संगीत की दुनिया में गायक बन नाम कमाने को बेचैन, मुरादाबाद का किशन मोहन यानी फरहान अख्तर का सपना है दिल्ली जाकर खुद के गानों का एल्बम रिकॉर्ड करना, क्योंकि उसका मानना है कि शहरों को सीमाएं बांध सकती हैं लेकिन सपनों को नहीं। लेकिन सीमाएं लांघकर कल्पना की ऊंची उड़ान भरने वाले किशन के सपने धराशायी हो उसका साथ छोड़ देते हैं जब बदनसीबी उसका दामन पकड़ लेती है और उस पर एक आईएएस ऑफिसर के कत्ल का इल्ज़ाम आ जाता है और एक के बाद एक कोर्ट में की सभी अपीलें खारिज हो जाती हैं। निराशा के इस वक्त में आशा की किरण लाती है जेल कैदियों के बीच होने वाले संगीत के मुकाबले की खबर, जिसके लिए वो सोशल वर्कर गायत्री यानी डायना पेंटी और साथी कैदियों विक्टर, परमिंदर, पुरुषोत्तम और अंसारी यानी दीपक, गिप्पी, राजेश और इनामुल हक की मदद से एक बैंड बनाता है। लेकिन इस बैंड का खास मकसद है जेल तोड़कर भाग निकलना, जिसकी भनक निर्दयी जेलर यानी रौनित रॉय को लग जाती है, यानी एक प्रिडिक्टेबल स्क्रीन प्ले। वो अलग बात है कि राइटर असीम अरोरा और डायरेक्टर रंजीत अरोरा ने इस पूरे स्क्रीन प्ले में डाली घटनाएं और उनके सिलसिले और ब्यौरे को इतनी पैनी कलम से लिखा है कि जेल तोड़ने की प्लानिंग का पूरा घटनाक्रम धीमी गति से चलने के बावजूद दिलचस्प और मनोरंजक है। डेब्यूटेंट डायरेक्टर रंजीत तिवारी अपने कलाकारों यानी राजेश शर्मा, दीपक डोबरियाल, गिप्पी और इनामुल हक की अदाकारी की खासियत को किरदारों के सपनों की दुनिया से जोड़ने में सफल रहे हैं। सपनों को पूरा होने और टूटने के डर के बीच का तालमेल, बर्बाद जिंदगी के बीच संगीत के सुर और जेल तोड़ भाग निकलने की मशक्कत के बीच का तालमेल, यानी हर छोटी चीज की डिटेलिंग पर की मेहनत दिखाई दे रही है। कैदियों के बीच लगातार चलते आंखों के इशारे और फरहान के किरदार के दिल में डायना के लिए दबे जज्बात यूं तो फिल्म की स्पीड को थोड़ा सुस्त बना लेते हैं, लेकिन कई जगह जरूरी भी लगते हैं। सुस्त अंदाज में चलता स्क्रीन प्ले अगर फर्स्ट हाफ में पैदा की गई मायूसी की वजह है तो सेकेंड हाफ में रोमांच का वादा भी करता है, लेकिन सेकेंड हाफ में परवान चढ़ते सीन्स पूरी तरह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते और फिल्म को थोड़ी और एडिटिंग की ज़रूरत दिखाई देती है, जिसके चलते फरहान और डायना की अदाकारी कई जगह कमज़ोर दिखाई दे रही है। उनके लिए खास लिखे अच्छे सीन्स के बावजूद उनकी अदाकारी कुछ भी नया पेश करने में असफल रही है और इसी कंफर्टेबल जोन में बार बार दोहराए विलन के पोर्ट्रेल के चलते रौनित भी बिल्कुल रेपिटेटिव लग रहे हैं। उनकी डिट्टो एक्टिंग पुरानी कई फिल्मों में देखी जा चुकी है और संगीत पर आधारित इस फिल्म का कोई भी गाना दिल में जगह नहीं बना पाता। फिर भी जेल के डिटेलिंग, खूबसूरत कैमरा वर्क, कैदियों के सुधार की कोशिश और डायरेक्टर रंजीत के लिए फिल्म एक बार देखना बेहद ज़रूरी है और फिल्म को मिलते हैं 2.5 स्टार्स।